नमस्कार दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल जर्नल सेंटर। आज हम बात करने वाले नोकिया X6 के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है नोकिया 6.1 प्लस के नाम से। आज लॉन्च हो चुका है नोकिया 6.1 प्लस। जानते हैं कि क्या है स्पेसिफिकेशन, क्या है फीचर्स, क्या है मीटो को टक्कर दे सकता है, क्या है रेडमी नोट 5 प्रो को टक्कर दे सकता है, क्या है गेमिंग स्मार्टफोन है। आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर हमारे साथ बने रहिए, तो फिर चलिए शुरू करें। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में। डिजाइन के बारे में नोकिया एक्स बहुत ही लुकिंग वाइज, यानी नोकिया 6.1 प्लस बहुत ही लुकिंग वाइज और अट्रैक्टिव लगता है। पीछे से बात करें यानी बैक से बात करें तो उनका जो बैक है बहुत ही अच्छा, यानी जो मिरर ग्लास फिनिशिंग यहाँ देखने को मिलता है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आता है। आगे से बात करें तो नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नोकिया में कुछ भी नहीं चलते, नोकिया ब्रांड है, बिल्ड क्वालिटी के साथ उनका ज्यादा फोकस बिल्ड क्वालिटी में होता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव है, अगर आप मुझे हाथ में भी लोगे तो आपको बहुत ही प्रीमियम फील आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 636, ग्लोबल इवेंट में लॉन्च हुआ था तो मिला था स्नैपड्रैगन 660 यानी चाइना में। इंडिया में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 636 में आपको यह स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। बात करते हैं इनकी डिस्प्ले के बारे में। आपको मिलेगी 5.8 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, 1080p पिक्सल के साथ मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे अब तो राउंड एजेस देखने को मिलेगी दोनों टाइम, लुकिंग वाइज फोन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। अब हम बात करते हैं कैमरा के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है। अभी सभी स्मार्टफोन में कैमरा बहुत ही अच्छा ही होना चाहिए, ऐसी सभी लोगों की डिमांड है। यहाँ पे आपको मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन। 16 मेगापिक्सल f/2.4 एपर्चर के आता है, 5 मेगापिक्सल 2.2 एपर्चर के आता है, तो 16 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन। यहाँ आपको सभी तरह के बूके इफेक्ट, सभी तरह के मोड देखने को मिलेंगे। आपको ये का भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा। फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं, आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल कैमरा f/2.2 एपर्चर के साथ देखने को मिला है। फ्रंट कैमरा के मैंने थोड़ा कुछ सैंपल देखे, यहाँ पे मैं इतना कुछ कह नहीं सकता, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। कुछ कुछ तरह के कुछ कुछ लो लाइट में इनकी फोटो बहुत ही अच्छी नहीं आती है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि हार्डवेयर के थ्रू ये अच्छी करेंगे। रियर कैमरा की बात करते हो यहाँ पे उनकी फोटो बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। जो उनका पोर्ट्रेट मोड में जो उनका फिनिशिंग है पोर्ट्रेट मोड का, वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे जो बैक फिनिशिंग कैमरा है उसमें मैं थम्स अप देना चाहूंगा। फ्रंट कैमरा में मैं थोड़ा उनको टाइम दूंगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दे। अब हम बात करते हैं कि बैटरी के बारे में। आपको बैटरी के मामले में थोड़ा नोकिया ने 6.1 ने थोड़ा निराश किया है। हमने बैटरी मिलती है आपको 3060 की बैटरी मिलती है। आपको एक खास बात बताऊं तो यहाँ आपको मिलता है यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलता है, अच्छी बात। एक रॉन्ग बात बताऊं, एक बुरी बात है, वो है फास्ट चार्जिंग। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, आपको बॉक्स पैकेज में भी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता। क्विक चार्जर 3.0 को लगभग मेरे हिसाब से सपोर्ट नहीं करता, ऐसा कुछ इनके लिखा नहीं है मैनुअल में कि यहाँ सपोर्ट करता है कि नहीं सकता। बैटरी के मामले में थोड़ा एक कम परफॉर्मेंस करेगा, एक दिन का यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात की नोकिया यहाँ एक एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ, यहाँ पे कुछ भी तरह के मालवेयर देखने को नहीं मिलेगा। गूगल का सिस्टम है तो बहुत ही अच्छा है, आपको मिलेगा 8.8 आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलेगा, ओरियो देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ आता है, जो कि मीटो को टक्कर दे सकता है, क्योंकि मीटो भी एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ आता है। अब बात करते हैं क्या गेमिंग स्मार्टफोन है, तो नहीं जी इतने आप अच्छी तरह से गेमिंग नहीं खेल पाओगे। मैंने देखा है कि गेमिंग स्मार्टफोन में थोड़ा थोड़ा हैक करता है फोन, इतना आपको जो स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। पबजी है, फोर्टनाइट, इसी गेम यहाँ पे हाई बार में आपको एकदम स्मूथ खेल तो सकते हैं, लेकिन स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ नहीं खेल सकते। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, जो बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग है। स्पेसिफिकेशन बहुत ही बढ़िया है, नोकिया है, ब्रांड है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, जो उनका वेरिएंट है 4GB 64GB, उनकी प्राइस है 16,000, जो कि 15,999 है। यहाँ पे आपको मिलेगा 16,000 रुपये में नोकिया का 4GB वेरिएंट 64GB। प्राइसिंग के बारे में बहुत ही अग्रेसिव बात, इमें इतना नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, ले लो। यहाँ पे मैं कहूँगा आपको वेट करना चाहिए रियलमी 2 का, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन निकल के आता है, जो कि इसमें आपको मिलेगा हेलियो का P60। मैंने उसकी एक अलग वीडियो बनाई है, आपको लिंक यहाँ पे आई बार में देखने को मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। रियलमी 2 का आपको वेट करना चाहिए, नोकिया 6 को बहुत ही लेना नहीं चाहिए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए। रियलमी 2 भी लॉन्च होने वाला है 28 तारीख को, मैंने उसकी सारी बात बताई है, प्राइस स्पेसिफिकेशन वीडियो में मैंने अलग से वीडियो बना दी है। आपको वेट करना चाहिए रियलमी 2 का, नोकिया 6 अगर आप नोकिया के लवर हो, आपको नोकिया ही चाहिए तो इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खराब स्मार्टफोन है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, बिल्ड क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है, स्नैपड्रैगन 636 मिल रहा है,
कैमरा भाई बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे आप लॉन्च ले सकते हो इसको, कुछ बुरी बात नहीं है। तो बस दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। आपको वो सुझाव भी लीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए रोजाना ला के आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।